जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित समाजवादी पार्टी के राज्य सम्मेलन के अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदील अजीज, आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, मंच पर मौजूद मैं देख रहा था जिन्हें बहुत कम ही हम लोगों का सौभाग्य मिल पाता है, आदरणीय गुरुजी उदय प्रताप जी, हमारे बीच में मौजूद बहुत सारे हमारे नेता, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, लेकिन समय के कमी के नाते सभी हमारे मंचासीन सम्मानित नेता, सामने उपस्थित सांसद, विधायक, विधान परिषद और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे जितने भी डेलीगेट्स हैं, प्रतिनिधि हैं, मैं सभी साथियों की तरफ से मैं आज अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय के कमी के नाते टोका टोकी से पहले ही मैं चाहता हूं अपनी बात को मैं समेट करके रखूं और मैं पूरी तरीके से माननीय राज्यपाल कश्यप की तरफ से जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव लाया गया है, मैं पूरी तरीके से उस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और कुछ चीजों को जरूर मैं जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश नहीं देश की सियासत में परिवर्तन हो, जो बाबा साहब की सोच थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गैर बराबरी को खत्म करके इस देश में समता मूलक समाज बनाने का, पहली बार देश में पहला नेता जिसका नाम माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने कहा इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना होने के बाद आजादी के 70 सालों तक जो भेदभाव हुआ, इस देश में रहने वाला गांव का गरीब जो आज भी जो बेबस लाचार है, जो आज भी रोजी रोटी के लिए अपना गांव छोड़ करके बड़े बड़े शहरों में जाता है, उन्हें न्याय और इंसाफ मिल पाए, पहली बार हमारे नेता ने इस देश की सियासत में आवाज उठाया। और यही कारण है कि आज पूरे देश में, आज हर स्टेट से, हर जगह से आवाज आ रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक हमें हमारी संख्या, और यह कभी माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा कि केवल चौहान की गिनती होनी चाहिए, राजभर यादव मुसलमान की गिनती होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, सबकी जब तक जनगणना ही होगी, जो सच्ची तस्वीर सामने नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब के हम सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम लोहिया जी के अधूरे सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि इसमें प्रस्ताव में है भी विस्तार से इसको जोड़ा जाए, और मेरी मांग भी है कि जिस तरीके से देश में मंडल कमीशन लागू होने के बाद आज भी इस देश की क्लास 1 के नौकरियों से लेके क्लास 4 तक जिनको अभी कोटा पूरा नहीं हो पाया, मैं चाहता हूं इस प्रदेश की नौकरियों में, क्योंकि प्रदेश का सम्मेलन है, प्रदेश की जो नौकरियां हैं, जो खाली जगह हैं, जो ओबीसी की जगह है खाली है, उनको जल्द से जल्द भरे जाने की इस प्रस्ताव में व्यवस्था होनी चाहिए। और कल पिछड़ा नहीं, दलित नहीं, मैं तो कहता हूं सम्मान, जो सामान्य परिवार के भी जो गरीब हैं, जिनका हक अधिकार है, जिनको अधिकार नहीं मिल पाया, नौकरी नहीं मिल पाई, उनको भी भर करके उनके साथ न्याय किया जाए। और जिस तरीके से आपने देखा कि आज हमारे प्रदेश में आज भी जो 79,000 जो टीचर, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से
कई बार मिले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वादा भी किया था। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से वर्तमान जो हुकूमत है ऐसे नौजवान के साथ बेइंसाफी कर रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है, मैं चाहता हूं प्रस्ताव में मजबूती से इसे जोड़ा जाए। और मैं अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं कि साथियों, आप उस पार्टी के नेता हैं, उस नेता के कार्यकर्ता हैं, जिसको हम लोग पहले से लगाते रहे नारा, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। आज उसी हम नेता के हम ध्वजवाहक हैं। आज इसलिए मेरी अपील है कि साथियों, हमें अपने जोश को, थोड़ा अपने जोश को, होश को संभालते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब तक हमें सामाजिक गैर बराबरी से हमें न्याय पाना है, आर्थिक राजनीतिक गैर बराबरी से छुटकारा पाना है, जब तक यह दूर नहीं होगा, जब तक हम भाईचारा नहीं पैदा कर पाएंगे। इसीलिए भाईचारा पैदा करने के लिए हम तो कहते हैं, तमाम जो छोटे छोटे भाई हैं, वो चाहते हैं कि प्रेम से बड़े भाई का हाथ हमारे कंधे पे आ जाए। दुनिया की कोई ताकत उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने से, तस्वीर बदलने से रोक नहीं सकता है। इसलिए साथियों, ज्यादा मैं न कहते हुए आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए इस प्रतिनिधि सम्मेलन में, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आदरणीय गुरु जी यहाँ बैठे, उदय प्रताप जी, दयाराम पाल जी, लाल जी वर्मा जी, इंद्रजीत सरोज जी, रामचंद्र राजभर जी, तमाम रमाश्री विश्वकर्मा जी, हमारे सलीम शेरवानी जी, महबूब जी, हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता आगे लाइन पे पीछे बैठे हैं, मैं सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए, अपनी बात को समेटते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।